अगर वो कश्मीर की बात करें तो फिर आप यूपी की बात करें। बिल्कुल, वो कश्मीर की बात करें फिर आप यूपी की बात करें। अरे भाई अभी तो हम चुनाव में राष्ट्रीय तस्वीर की बात करेंगे या अभी भी राज्यों में बटकर बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल पिक्चर। राष्ट्रीय तस्वीर क्या है? ये बिल्कुल क्लियर है कि यूपी में कश्मीर, तब मैंने कश्मीर की बात। क्या ये क्लियर है ऋषि जी कि यूपी में, कश्मीर में, अरुणाचल में या फिर बिहार में बटकर लोगों ने नहीं देखा है? लोगों ने देखा है कि नेशनल लीडर कौन है और लोगों ने देखा है कि कौन राष्ट्रीय स्तर पर गवर्न कर सकता है। आपके बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। देखिए मोदी का जो आधार वोट है, यानी बीजेपी का जो आधार वोट है, उसमें मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। और सुबह भी आपसे मैंने बातचीत करते हुए कहा कि जो 5 किलो अनाज वाला जो फैक्टर है वो प्रभावी है। लेकिन ये बात भी शिवम त्यागी को मानना होगा कि जो उनके जो सीटिंग एमपी हैं, जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीत के गए हैं, जो लगातार तीसरी बार चुनाव के जीत के गए हैं, उनके विरुद्ध जोरदार एंटी इनकंसिस्टेंसी है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता प्लस 5 किलो अनाज जो लाभार्थी वर्ग है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस एंटी इनकंबेंसी को कम करते हुए दिख रही है। खासकर बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे जगह हैं उसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सीट घटेगी। लेकिन फिर भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखेगी कल। जो मेरा एक मैंने जो मूड को रीड किया है उसके आधार पर बताऊं, मैं तो ऋषि जी से बार बार कहती हूं, क्योंकि ऋषि जी मैंने आपसे सुबह भी ये बात कही थी कि आपने या तो पाला बदला है या फिर आपको ये जीत सामने दिख रही है। देखिए पत्रकार, ये जीत आपको दिख रही है, पत्रकार को न्यूट्रल होना चाहिए। मैंने ये भी कहा, देखिए मैंने नहीं कहा कि बीजेपी के सांसदों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और सांसदों के काम के आधार पर वोट मिल रहा है। यदि काम के आधार पर हो तो बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। यदि काम के आधार पर एनालिसिस कीजिएगा तो बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो 14-19 में है वो आज भी बनी हुई है और मोदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं, ग्राउंड पे काम किए, खासकर गरीब तबका में काम किए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मुस्लिम वर्ग में भी जो गरीब महिला हैं उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया है। किसी परिवार में पति जो है महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए वोट किए हैं तो उनकी पत्नी ने बीजेपी एनडीए के लिए वोट किया है। और बिहार में मैं दावे के साथ कहता हूँ, डीपली एनालिसिस बता रहा हूँ, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के बाद आप देखिए थर्ड फेज से सेवेंथ फेज तक महिला और पुरुष की जो वोटिंग पैटर्न है उसमें 12-13% का अंतर है और क्लोज जो सीट होगी उसमें ये फैक्टर बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। एग्जिट पोल्स में जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जब आप महिला वोटर की बात कर रहे हैं तो उसमें 3% महिला जो मुस्लिम वोटर है उसका भी इजाफा है बीजेपी के वोट बैंक में, वोट शेयर में, जो एग्जिट पोल से आ रहा है। अब मैं फिर कहूंगी कि एक दिन के कुछ घंटों का इंतजार है और एग्जिट पोल क्या ये एग्जैक्ट होते हैं या फिर ये गलत साबित होते हैं? एक बार बड़ी खबर एक और बता दूं शिवम, उसके बाद आ रही नतीजों से पहले बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैला सकती है और कांग्रेस हंगामा करना आता है। अब जो फॉर्म 17C की बात हो रही है, अपने दर्शकों को बताऊं कि उसमें वोटर्स को लेकर सारी जानकारी होती है। आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे फॉर्म 17C की बात। अब फॉर्म 17C वोटिंग की प्रक्रिया, कितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोग वोट डालने आए, किन किन लोगों की पर्चियां वहां बनी हुई थी जो वोट डालने के लिए एक पोलिंग बूथ पर आई, ये सारी जानकारी होती है। और ऐसे में उसमें हस्ताक्षर भी होते हैं उन लोगों के जो उस सीट से चुनाव लड़ रहे हो। अब आप सोचिए कि इस पर एक सवाल उठाने लगा है विपक्ष, यानी क्या कल के लिए? अखिल स्वामी जी हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में। अखिल जी, कल कुछ घंटे हैं, मैं बार बार कह रही हूं कुछ घंटे में बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। कल शाम को अगर हम ऐसे आमने सामने बैठे होंगे तो शायद हम ये बात कर रहे होंगे कि सरकार किसकी बनी हुई है, लेकिन वहां कांग्रेस दफ्तर में टेंट लगना शुरू हो गया। अखिल जी देखिए, आप कह रही हैं 17C में प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। देखिए 17C इस चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और 17C से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो सील हो चुका है, वो EVM के साथ खुलेगा। सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया गया है, इस बार संविधान लोकतंत्र की हत्या हिंदुस्तान नहीं होने देगा और सारी तैयारी हो गई है। एग्जिट पोल आप लोगों ने कर लिए और जब कल गणना शुरू होगी उसके बाद इंडिया की सरकार बनेगी और एक दलित प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। ये इतना इस कॉन्फिडेंस का रीजन क्या? आप हंस रहे हैं शिवम, इस कॉन्फिडेंस का रीजन क्या? मैं वो समझना चाह रही हूँ, कोई कुछ कारण है
पीछे कोई स्टडी, इंटरनल सर्वे, इंटरनल जनता है, जनता है भाई। अच्छा मैं, आप हवा में उड़ते रहिए। जिस तरह किसानों को, किसानों के रास्ते पे कीलें गाड़ी गई, जैसे 700 किसानों की शहादत हुई, जैसे मेरे 17 साल के बच्चों को 4 साल में रिटायर करने की बात हुई, और 75 साल का एक्सटेंशन मांग रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं हिंदुस्तान में अगली नई जनरेशन को और अपने युवाओं को जो रोजगार देने के बजाय उनको बेरोजगारी दे, मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, हाँ। उसको हिंदू मुसलमान में ले जाए, हाँ। ऐसे प्रधानमंत्री की हमारे देश को आवश्यकता नहीं। अच्छा अखिल जी, मुझे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं शिवम के पास जाऊँ, उससे पहले एक सवाल पूछ रही हूँ। किसान राजस्थान में है, किसान राजस्थान में है, हर जगह, मध्य प्रदेश में भी होंगे, है ना, वहां पर छत्तीसगढ़ में भी होंगे। अब मैं नहीं, सिर्फ मैं इसलिए पूछ रही, युवा भी वहां है, इन राज्यों में है, तो वो उन राज्यों के भी चुनाव अभी हुए हैं, और आपके हिसाब से तो वहां पर भी नकार देना चाहिए था, वहां पर नहीं नकारा है ना, वहां पर आपका लॉजिक फेल क्यों हुआ? वहां पर किसान ने वोट नहीं किया क्या? भगवान कृष्ण ने कहा था, घड़ा जरा भर जाने दीजिए। अच्छा, तब तक घड़ा नहीं भरा था, भर गया। प्रकार से कीले गाड़ी गई पंजाब, कीले तो उससे बहुत पहले गाड़ी गई थी आपके हिसाब से, पंजाब के अंदर हरियाणा की पुलिस ने कीले गाड़ी, मेरे बच्चों की आंखें फोड़ी गई, अशु गैस के गोले फोड़े। सर ये लॉजिक इन राज्यों के चुनाव में क्यों नहीं चला? किसान तब नहीं थे क्या? शिवम के पास जा रही हूं, देश के किसानों को खालिस्तानी कहेंगे? खालिस्तान लॉबी घुसी है, मैंने किसानों को खालिस्तान नहीं बोला, मैंने खालिस्तान की लॉबियां घुसी थी, पंजाब की शिवम के पास जा रही हूं। देखिए ये गलत बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसानों को मेरे पास मत कहिए, मैं सर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वी हैव अ प्रॉपर प्रूफ ऑफ दैट। तो जेल के अंदर क्यों नहीं भेजा हूँ? सब कुछ हो रहा है। अरे कुछ नहीं, कुछ हो रहा है, जो अच्छा ठीक है, कल की जीत की बात कर रहे हैं, जीत किसकी होगी? एक बार शिवम के पास जा रही हूँ मैं, शिवम के पास, एक मिनट शिवम, जरा बताइए, जो सारी बात कह रहे हैं, टेक ओवर भी कर लेंगे, सरकार भी बन गई, मंत्रिमंडल भी बन गया, दलित प्रधानमंत्री भी बन रहा है, अखिल स्वामी जी कह रहे हैं, एक मिनट बताइए जरा शिवम, 310 सीटें भी आ रही है। अच्छा मैं एक मिनट होल्ड ऑन, 310 सीटें हैं, दलित प्राइम मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल तैयार है। उनसे यही कहना चाहता हूं, इनसे मत लड़ो, नाराज हैं वो बेचारे, परेशान हैं, हार रहे हैं, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? वो चुनाव लड़े नहीं है, वो हमेशा स्टूडियो में रहे हो, आप ग्राउंड पर रहे हो, अपनी एनर्जी क्यों ड्रेन कर रहे हो? कल के लिए इंतजार करने दो, कल लड़ना है। इन्होंने जो कहा तमाम तरह का एजेंडा जो है इनका, इनको लगता है था उत्तर प्रदेश से पहले इस देश में, उत्तर प्रदेश से पहले गाजीपुर बॉर्डर पूरा एक साल सील रहा, एक साल तक लगातार वहां पर लोग बैठे रहे, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, अंततः उसके बाद चुनाव हुआ, तो क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में आ गई, यानी कि प्रोपेगेंडा था, जिस पंजाब में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन की जो है, देखिए मैं ये कह रही हूं, कोशिश की, उस पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को 4-5 सीटें मिल रही है। देखिए शिवम, एक और चीज बता दूं, जब ओपी राजभर साहब कह रहे हैं कि 8 जून को नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उन्होंने तो तारीख भी बता दी है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं मुझे नहीं निकालना ना, ओपी राजभर कह रहे हैं, ओपी राजभर कह रहे हैं, भाई मैं क्यों निकालूंगी टाइम? विवेक शैले जी, प्रॉब्लम ये है, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप सब पे ठीकरा फोड़ दीजिए, अपना काम नहीं देखेंगे लेकिन सब पे ठीकरा फोड़ेंगे।